सीएम की रेस से पीछे हटने को नहीं तैयार, क्या डीके शिवकुमार की उम्मीदों पर सीबीआई, ईडी, आईटी की जांच लगाएंगी ग्रहण? कर्नाटक में सीएम की रेस जारी है। इस रेस में दो नेता दौड़ लगा रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिवकुमार। शुक्रवार की रात से चल रही ये रेस फिलहाल खत्म नहीं हुई है। हालांकि कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर ने पावर शेयरिंग का फॉर्मूला भी दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीके शिवकुमार हैं कि इस रेस में किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है और न ही सिद्धारमैया के पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमत है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर डीके शिवकुमार को सीएम बनाने में पेच कहां फंस रहा है कि कांग्रेस उनके नाम पर मुहर लगाने में कतरा रही है। दरअसल इसकी वजह है जांच एजेंसियां और आईटी के केसेस। कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिवकुमार पर सीबीआई, ईडी और आईटी के केसेस चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डीके शिवकुमार के खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं, जो कि उनकी और सीएम की कुर्सी के बीच आ रही हैं। इन 19 मामलों में कई केसेस की जांच आईटी, सीबीआई और ईडी कर रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के आला कमान इस एंगल से पार्टी और कर्नाटक के फ्यूचर को लेकर नफा नुकसान का मापतौल कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के भी विचार मेल नहीं खा रहे हैं। अब बात कर लेते उन मामलों की जो कि डीके शिवकुमार पर चल रहे हैं। 2017 में आईटी ने डीके शिवकुमार के ठिकानों पर रेड मारी थी। तब उनके 4 ठिकानों से 8.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। वहीं आईटी को दिल्ली में 3 फ्लैट्स भी मिले थे जो कि कथित रूप से डीके शिवकुमार से जुड़े थे। वहीं आईटी ने उसी छापे में 429 करोड़ रुपए से ज्यादा धन के पता लगने का दावा भी किया था। इन मामलों में उन पर चार्जशीट दायर है, जिसके बाद इस चार्जशीट के आधार पर ईडी एक्शन में आया और डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस केस में ईडी ने 200 करोड़ रुपए धन का पता लगाने का दावा किया था। कथित रूप से ये पैसे डीके शिवकुमार का ही बताया गया था। साथ ही ईडी के मुताबिक 20 बैंकों में डीके शिवकुमार के 317 खातों के डिटेल होने का भी दावा किया गया था। 2019 में डीके शिवकुमार की ईडी की तरफ से गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। ईडी और आईटी की सूचना के आधार पर सीबीआई भी उन पर 2020 में आय से अधिक संपत्ति के आरोप में केस दर्ज कर चुकी है। सीबीआई भी उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। हालांकि सीबीआई ने उनसे इस मामले में अभी तक पूछताछ नहीं की है, लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ की जा चुकी है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावे किए हैं कि डीके शिवकुमार भले ही कांग्रेस के लिए संकट मोचक कहे जाते हों, लेकिन उनके ऊपर तमाम केसेज होने की वजह से उन्हें सीएम बनाने में कांग्रेस आलाकमान शायद कतरा रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।